हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सुरक्षा होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो चलिए खाना तो बनाना पड़ेगा। आज हम बनाएंगे फूलगोभी की मजेदार रेसिपी। तो वीडियो को फुल आज कीजिए, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर्दियाँ खत्म हो रही है और गोभी की मजा भी थोड़ी सी कम हो रही है, इसी वजह से आज इस गोभी की मजेदार रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो चलिए कढ़ाई ले आते हैं। पानी में अब हम डाल देंगे नमक और हल्दी। पानी को थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, यानी एक उबाल आने तक। यहाँ भर गोभी, फूलगोभी को मैंने थोड़ी सी बड़े बड़े साइज में काट ली थी, उसमें वही इसी वाली गर्म पानी, हल्दी नमक वाली गर्म पानी को डालकर आधा घंटे के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। जितने छोटे छोटे कीड़े हो गए थे ना, सब साफ हो जाएंगे। जब हम गोभी बनाते हैं थोड़ी देर इस तरीके की हल्दी की नमक और हल्दी पानी में छोड़ देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने चना दाल को भिगा कर रखी थी, अब चना दाल को हम पीस लेते हैं। तो चना दाल के पीसने के साथ हम इसमें थोड़ी अदरक एक इंच डाल देंगे, एक हरी मिर्च और लहसुन की थोड़ी सी कलियाँ डालकर हम उसको एक पेस्ट बना कर ले आएंगे। यहाँ पर मैंने दो बार में मिक्स में चलाई थी, तो एक बार प्लेन करके चला ली थी, दोबारा थोड़ी सी दरदरा बनाकर मैंने इस तरीके की चलाई थी। तो यहाँ पर हमारी चना दाल को हमने पीस लिए हैं। अब आधा घंटा हो चुका है, तो गोभी को पानी से निकाल लेते हैं। अच्छी तरह पानी से निकाल लेने के बाद हम इसी गोभी को हम कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के लिए बारीक वाली ग्रेटर ले लीजिए, इसी ग्रेटर है हम सारी गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। इस डंठल वगैरह मैंने सब कुछ कद्दूकस कर ली थी, जो थोड़ा छोटी मोटी टुकड़ा बच गई थी उसी को भी मैंने फेंक लिया था। बिल्कुल टेस्टी रेसिपी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और एक वीडियो को एक लाइक करने के लिए मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके की सारी गोभी को कद्दूकस कर ली थी, देखिए ज़्यादा वेस्ट भी मैंने नहीं की थी। यहाँ पर सारी कद्दूकस किया है, गोभी को एक बर्तन में निकाल लेंगे, जो चना दाल को हमने पीस कर रखे थे सारी चना दाल को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूखा मसाला। यहाँ पर कटी हुई प्याज डाल देंगे, प्याज में अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब सूखा मसाला में जाएगा, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आपकी पसंद के अनुसार सारी मसाला इस पर डालिए, ज़्यादा कम ये सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो थोड़ी सी सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर सारी, और एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हो, नहीं तो चावल के आटा भी डाल सकते हो। डालकर अच्छी तरह हम उसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बेसन हमने इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम चना दाल को पीस कर डाली थी, इसी वजह से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। हाथों में मिक्स करने के बाद एक तवे में गर्म करके उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इस तरीके के छोटे छोटे बड़ा बना लेंगे। हमारे जीवन में हम कितने उत्थान और पतन देखें, यानी हमारे जीवन में कुछ नियम भी होती है जो चिरंतन सत्य भी होती है। जैसे हमारे घर में कोई पैदा होती है, यानी जन्म और मृत्यु, दुख और सुख, ये तो मिलजुला कर हमारे जीवन में चलता रहता है। तो कोई जन्म होकर हमारी घर में नया अतिथि आती है तो खुशी की लहर हो जाती है, लेकिन जो हमको छोड़कर चले जाते थोड़ी सी हम सब लोग दुखी हो जाती है। लेकिन जीवन के नियम को हम नहीं टाल सकते, छोटे छोटे बात को लेकर दुखी होने से आप दुखी ही हो जाएंगे। दुख तो लगती है, फिर भी उसको संभाल कर हमें आगे भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी बड़ा बन चुका था, तो यह ऑयल में गर्म करके जितना खड़ा मसाला आप डाल सकते हैं डाल दीजिए। मैंने तो तेज़पत्ता, दालचीनी, एक हरी इलायची डाली थी, जीरा। चटकने बाद मैंने डाल दी थी प्याज। यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिलाकर हम उसको भून लेते हैं। थोड़ी सी कच्चा फ्लेवर जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी मसाला, और एक मसाला को थोड़ी देर भूनने के बाद हम डाल देंगे टमाटर, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। थोड़ी सी पानी डालकर हम उसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम उसमें डाल देंगे
थोड़ी सी आलू को मैंने फ्राई करके रखी थी, तो आलू को भी यहाँ पर मैंने डाल देती हूँ। आलू यहाँ पर ऑप्शनल, लेकिन डालने से अच्छी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिना आलू की सब्जी तो हमारे यहाँ पर नहीं बनती है, मेरे घर में नहीं बनती है। तो आपकी पसंद अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए, ढक्कन लगा कर पानी को बॉयल होने तक छोड़ दीजिए। पानी बॉयल होने के तक यानी सब्जी हमारी बॉयल आ चुका था अच्छी तरह, इसमें हम सारी बड़ा को डाल देंगे। बड़ा को डालकर हम उस पर भी ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन निकालिए और एक बार उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी गरम मसाला और हरा धनिया। तो और हमारी सब्जी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो लंच वगैरह सब तो बनाकर हम खा लिए थे, लेकिन अब देखिए थोड़ी सी सब्जी बचा है दोपहर की, क्योंकि आज हस्बैंड घर पर खाने के लिए नहीं आए थे। तो सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ। घर में तो आज घर में दियावती भी नहीं होगा, कुछ काम दम नहीं है। दियावती तो 10-11 दिन तक बंद होगा, पूजा भी नहीं होगा घर में। तो जब घर में पूजा नहीं होती है ना, कोई अच्छा नहीं लगता है। जैसे लगता है घर में कुछ भी काम नहीं है, लेते लेते टाइम जा रहा है और 2-3 दिनों के बाद तो काम स्टार्ट हो जाएगा, ढेर सारे काम मुझे करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ, एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ। घर मैंने झाड़ू लगा ली और पोछा वगैरह भी अब घर में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ झाड़ू लगता है 2 टाइम। तो एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ। हम जिंदगी को दुखी दुखी से नहीं बिता सकते, क्योंकि हमारी जीवन में हमको कुछ करना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी ये मत सोचना, हम नहीं सोचेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे। हमारी जीवन में इतनी सुंदर जीवन हमको भगवान ने दिए हैं, तो हमको अच्छी तरह से हंसी खुशी मजाक के साथ हमारी ज़िंदगी को हम बिता लेना चाहिए। दुख तो आती है, दुख के बिना जीवन के सुख को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जीवन में इतनी सारी दुख के साथ हम ज़्यादातर दुखी दुख की टाइम को याद करके थोड़ी सी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो जा चुका है उनका हम याद करके ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो टाइम हम वर्तमान से जीना चाहिए, जितना हमको मिल रहा है उसी से ही हम खुश होकर हमारे जीवन को बिता लेना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है खुशी खुशी से सारी चीज़ को अपना लेना चाहिए। भगवान हमको खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए और पहनने के लिए, बस इतनी ही हमको चाहिए। वो भगवान की इच्छा मुताबिक हम चलते हैं, लेकिन हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म से भगवान हमको कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की हमारी जन्म के साथ हमारी कर्म को लेकर नीचे भेजते हैं। तो हमारी कर्म भी इसी तरह होना चाहिए, जिससे वजह से किसी से हम ज़्यादा किसी को ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे, कि इससे कुछ बातें भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। हम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी के मन में दुख देने के लिए हमारी कोई अधिकार भी नहीं है। सबको मिला जुला कर हमको चल लेना चाहिए। जीवन के कुछ नियम को जब हम मान लेंगे, हमारी जीवन आराम से बीत जाती है।